नपो वस्तु में नहीं, नपो भाव में हो। आपने नागौर की ख्यूसर तहसील टांगला गांव में संतवा मेघवाल समाज में संत किशन दास जी महाराज एक साकी लिखी, नपा वस्तु में नहीं नपा भाव में हो, अरे भाव बिना किशन दास तू बेटो थारी पूंजी खोई। देखो भाव हो जाने, आज 10 साल पहली गवार बिक्यो 40,000 रुपया कुंटल। अबे लोग ले गो नहीं पाटो बंद ने मारे गांव में तो गई रबी भी बिका खेत बिका गवार चक्कर में लखपति कलडा वे लियो 38,000 मेरे बेटो फाचो बिक्यो छू दे रो। अब बार बहन रात को नींद उठाने देवे ना गंवार ले उसके चिमक पर खेड़ी में चढ़ गया तू जाने यार गंवार जाने 20 बीघा खेत की हो गंवार चक्कर में। हाँ तो ऊंदरा करगा बागा बेटो होले नींद उदय लगे नहीं पूरा घर में गंवार ही गंवार लोग फू काटे तो कांकरे कांकरा पड़िया। भाव में नपो है बड़े प्रेम से सुनिएगा आनंद लीजिएगा। रात को जागरण आनंद का जागरण है, प्रेम का जागरण है, भाव का जागरण है। जीता आनंद लेना जीता लेना, क्योंकि आनंद किसी का गुलाम नहीं है। और आनंद उसी आदमी के पास आता है जिस आदमी के पास भाव और प्रेम होता है। जहाँ प्रेम और भाव नहीं होता वहाँ आनंद नहीं आएगा। चाहे आप लाखों रुपए खर्च कर दो चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर दो, जिस घट में प्रेम और भाव नहीं है कतई आनंद नहीं आएगा। और आनंद न तो बाजार में मिले न मंडी में मिले, सिर्फ घट में मिला करे। घट में भी भाव शु आनंद प्राप्ति किया करे। जगह भी आनंद लियो यार, आनंद लेने के लिए जो सदन यहां पधारे हैं, बड़े प्रेम से एक बार पांची माई जी महाराज का सुमरण करते हुए जयकार लगाते हुए जागरण को आगे बढ़ाएंगे। बोलो श्री पांची माई जी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। प्रेम से बोलिए गौ माता की, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, धरती मात की, श्री इंद्र भगवान की, आज के आनंद की, सारे बस्ती नगर की, जहर वीर गोगा जी महाराज की, बोलो केसरिया कंवर जी महाराज की जय हो। जगह भी जय बोली वाने बहुत बहुत धन्यवाद। दो चार जना कोशिश करी वाने भी धन्यवाद। 5,000 जना था पचे नहीं भी हमारे चरणों में मारा दंडोत प्रणाम। क्यों जागरण में आ रही थी, जय नहीं बोला ना तो अपनी जय कोई दूजा बोला गाड़ी अरे कही हम जोड़ा उबा कने एक लो मिले कने जय बोला उन कई मेरी बोल गई अरे कई री बोलिए जावे देखते हैं क्या जावे। अरे फलान जी रहा तो पत्र तिरता सा जाइल रहा बाजार में अभी मांगी उड़ी बीड़ी कौन देवे क्यों मारी जय बोल गई। इसलिए भगवान के घट में आके भगवान के दरबार में आके कोई तरह की लाज शर्म ना रखें। ये भगवान का घर है। भगवान कभी ना जात देखे ना पांच देखे ना अमीर देखे ना गरीब देखे ना ऊंच देखे ना नीच देखे ना गाड़ी देखे ना घोड़ा देखे। भगवान देखे तो सिर्फ भाव देखे, भगत किस भाव से मेरे शरण में आया है, केड़ो बर्तन ले रहा हो, ये बर्तन के आधार से भगवान आपने फल दिया करे। यदि बर्तन भी फूटोड़ो है तो बोले तो घी ले रहा हो चाहे छाछ ले रहा हो ढूंढो ही ढूंढो। लेने का तरीका अपने पास पवित्र होना चाहिए। बस भगवान कहे बस तू लेने वाला है मैं देने वाला हूं, बस लेना तेरे हाथ में है। कितना लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, कहाँ लेना है, तू जहां बुलाएगा मैं देने को हाजिर हूं। खेत में बुलावे तो ही तैयार, घरे बुलावे तो ही तैयार। अरे भगवान तो साहब इतना दयालु है, ऊंडा बेरा में बुलाए तो ही हाजिर होगा। अब ते मन में हो चोला भगवान बेरा में क्यों गया, बीरो भी दृष्टांग बताऊं आपने। भगवान ऊंडी देड़ में गया अपना दर्शन लेने, वेणो छे जे साचो भगत। आप सुनियो बोला शेख फरीदा आपकी मां ने कह रहे घरों निकल गयो और शेख फरीदा जार बेरा में लटको। अरे भगवान भी ने लटके उड़ा बेरा में भी दर्शन दे दिया। होना चाहिए भाव, किता दयालु है भगवान। प्रेम से बोलिए सभी सजन गौ माता की, सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। अरज करूं गुरु थाने चरणा में राखो माने। अब बात दे रहे हो जी महाराज क्यों लिखी, लिखी तो चरणारी क्यों लिखी। आई कह सकता अरज करूं मैं थाने खाओ मत राख दो माने, मैं लिख बाला तो क्यों लिख सकता, कोई जगह मान लेता, कोई जगह मांग लेता, लेकिन नहीं। चरणों को सुख क्यों मांगे हो कि चरणों में चार धाम को सुख बतायो शास्त्रों में। इसलिए दयाव जी महाराज लिख दियो अरज करूं मैं थाने, विनती करूं मैं थाने चरणा में राखो माने। सुख है जो सब चरणा को है,
आनंद जगो सब चरणा को आनंद है। अपन बड़ा मैंने कहूं प्रणाम करा तो चरणा में प्रणाम करा, माता पिता ने धोख देवा तो चरणा में देवा, गौ माता ने प्रणाम करा तो चरणों में देवा, संत ब्राह्मणा ने प्रणाम करा तो धोख देवा तो चरणों में धोख देवा। कदी कनपट्टी ठोक राम श्यामा करिया गए धोख देव सा शेप टू शेप कौन करे, क्यों शरीर में तो सब बराबर है, कदी गुद्दी में हाथ में थोड़ी करिए धोख देऊ काकू, नहीं चरणों में ही प्रणाम करा। क्योंकि आदमी जीव नीचो लुड़े प्रणाम करने के लिए चरणों में, उन समय हजारों लाखों अपराध करुड़ा जड़ जाया करे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जितना पग स्वामी धरे उतना यज्ञ समान, संत मिलिया इतना टड़े काल जाल जिम चोट, शीश निवाया गिर पड़े लग पापा की पोट। नीचो मातो करना हूं लाखों अपराध जड़ जावे, इस वास्ते आदमी बड़ा मिनट ने प्रणाम करे जो ना नीचो लुड़े। अभी तो लोग नीचा लुड़ना बंद होगा, उबो भी गोडा थी दोग दे दगलो के ठीक है जीव तो रहे, ओह तू कह वजह नहीं जिये नितर जातो रहे तू लुड़, ये तो नीचो लुड़ी तो दगलो आशीर्वाद ही तो दे, क्यों जितो रिचार्ज कराओ जितो बैलेंस मिले 25 रुपया में साहब 29 रुपया।